आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के बारे में। ये आपका स्टाइल हो गया और इसमें आपका बहुत सारा ग्रुप यहाँ दिया हुआ है। एक एक कमांड के बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, अब हम लोग इस पर इसको करेंगे। देखिए, कोई भी अगर हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं एमएस वर्ड में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टेक्स्ट टाइप होता है वो नॉर्मल मोड में रहता है। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे नो स्पेस, हेडिंग, हेडिंग टू, टाइटल, सब टाइटल, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ माउस पॉइंटर को मैं मूव करा रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेज पर आपका वो पैराग्राफ चेंज होते जा रहा है, उसका स्टाइल चेंज होते जा रहा है। तो यहाँ बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। या अगर यहाँ दिया हो जैसे नो स्पेस, अगर आप जैसे नीचे यहाँ कुछ पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस है, अगर इस स्पेस को आप रिमूव करना चाहते हैं तो नो स्पेस पर जब आप माउस पॉइंटर को ले जाइएगा तो आपके पैराग्राफ के बीच जो भी स्पेस था वो रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं नो स्पेस के द्वारा। उसके बाद दिया हुआ हेडिंग वन और हेडिंग टू, इसका भी अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या जिसे आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ पे इफेक्ट देना चाहते हैं तो हेडिंग वन के द्वारा आप दे सकते हैं, या अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ एम एस वर्ड टाइप करके हेडिंग वन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हेडिंग हाईलाइटेड हो जा रहा है, या आप पहले से भी इसको सेलेक्ट करके जैसे हेडिंग पे हम क्लिक हेडिंग वन पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं भी टेक्स्ट टाइप किया जा रहा है तो वो हाईलाइटेड हो रहा है और कलर में आ रहा है। वैसे ही हेडिंग टू का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, हेडिंग थ्री का भी यूज कर सकते हैं, या अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल भी यहाँ देख सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। इससे क्या होता है कि आपका फॉन्ट जो है उसका साइज थोड़ा बड़ा होगा और स्टाइल में रहता है। तो इस तरह से आप स्टाइल ग्रुप का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहता है, जैसे क्रिएट स्टाइल, अगर आप खुद से एक न्यू क्रिएट स्टाइल करना चाहते हैं यानी कि एक नया स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू स्टाइल के द्वारा क्लिक करके यहाँ पे आप स्टाइल वन या टू थ्री जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिया हुआ रहता है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ हो गया, इसमें हम क्या करते हैं हेडिंग वन क्लिक कर दिए, तो क्या हुआ इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। अगर इसका फॉर्मेटिंग हम क्लियर करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लियर पर क्लिक कर देंगे तो जो फॉर्मेटिंग किया गया था वो क्या हुआ क्लियर हो गया, हट गया। उसके बाद यहाँ अप्लाई स्टाइल दिया हो तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं स्टाइल का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एडिटिंग के बारे में।